अगर स्वर्गीय कल्पनाथ राय इस दुनिया में नहीं है तो रक्षा यादव भी आज नहीं है, मैं क्या कहूं। और हमारी बहनें, हमारी भाभी, सभी लोग मंच पे अब धीरे, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा जगह दीजिएगा। और डॉक्टर यशवंत सिंह ऑपरेशन किए में, तो ऑपरेशन में हम पैसा आज ले बकाया लगौने हैं डॉक्टर साहब का। तो दियली का हमार ससुराल का छारे में है, हमार सार रोहू को मछली मार के एक बोरा लेके आया। कल ही डॉक्टर साहब ये सेवा में अब जवन कही, अब फिर तब से सरवा हमार लौटबो ना कल मछली लेके। आप सबसे रिश्ता हमसे और हमारे परिवार से। आज जिम की श्रद्धांजलि सभा में रवि में हम सब उपस्थित हैं। ये तो ठीक है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो जाएगा वो बहुत तकलीफ लेके जाता है। जब हम आए एक महीने पहले, अब ये कहेंगे कि ऊपर वाले का आशीर्वाद ही था कि ठीक एक महीने पहले हम लोग, हम और ये मेरे बेटे अनंत हैं, दोनों लोग गोठा से गुजर रहे थे। तो मेरी इच्छा हुई कि अनंत को एक बार मिलवा दें, ये बाहर पढ़ते हैं। तो कई बार जब रक्षा जाधव जी जब घर आते थे तो अनंत से मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन वो कहते थे कि एक बार अपने बेटे से जरूर हमको मिलवा देना। जब हम गोठा आए लगभग 7-7:30 बजे का समय था, अगस्त महीने में 2 या 3 तारीख थी, तो हम फोन किए कि चाचा जी आप हैं कहाँ, हम और मेरा बेटा दोनों इंतजार कर रहे हैं। हम लोग गोठा बाजार में ही बैठे थे और आए और अनंत को देखने के साथ मेरी इच्छा ये भी रहती थी कि अनंत तो अपने बाबा को नहीं देखे हैं, लेकिन रक्षा यादव चाचा जी में उनकी झलक दिखाई देगी। और जैसी दोस्ती हम सब सीखेंगे, हम सबको सीखना चाहिए, जैसी दोस्ती स्वर के नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो जो अपने हैं नहीं रह के भी वो हम लोग के साथ रहते हैं, हम लोग की यादों में रहते हैं। तो अब कल्पनाथ राय जी और रक्षा यादव जी, आप जानते हैं हम सब, आप सब बच्चे जवान भी हैं, सब लोग दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। बरगद से जब कल्पनाथ राय जी कुछ भी नहीं थे, तब से रक्षा यादव जी उनके साथ थे, उनके हर सुख दुख में साथ थे, खराब से खराब वक्त में भी वो कभी उनकी सेहत खराब हो गई लेकिन साथ नहीं छोड़े। तो हम सब लोगों को ये जरूर, सबको ये सीखना चाहिए कि दोस्ती अगर की एक मिसाल हम सबके सामने कल्पनाथ राय जी और रक्षा यादव जी का रहा। आपके भी जीवन में दोस्त होंगे, समय बहुत बदल गया, हम सब बात करते हैं लेकिन समय को बदलने दीजिए, आप मत बदलिए। आप जो भी आपके दोस्त हैं, अगर वो
खुश है अपनी जिंदगी में, बहुत सुखी है तो ठीक है, लेकिन तकलीफ हो तो आपको जरूर पूछना चाहिए। हमारे और आपसे ही समाज बनेगा। जब आप कहे कि जो सर बोलना है हम क्या बताएं, अभी बहुत कुछ है, बहुत यादें हमेशा हमको पूछते थे रक्षा यादव चाचा जी, ये मेरा दुर्भाग्य है। और एक बार फिर लगा कि नहीं, उनके रहने से ऐसा लगता था कि चलो उनकी याद मेरे ससुर जी की कहीं ना कहीं, जब पूछते कि सीता कैसी है तो अच्छा, बहुत अच्छा लगता था। बाद के बाद से आज 13 दिन हो गया ना, 13 दिन हो गए, जब बनारस जा रहे थे जब हमको ये सूचना मिली कि नहीं है, क्या कह लगा कि दोबारा मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ जो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि नहीं है। जरूर अब अपने ससुर जी की छवि देखते थे कि नहीं वो नहीं है, लेकिन आप हमारा हालचाल पूछते तो उनसे हम शिकायत भी करते थे कि वो नहीं है लेकिन आप तो है ना, आपको मेरे साथ, आपको अपना आशीर्वाद हमेशा चाहिए हमको आपका। और थे जब तक हमेशा ख्याल रखते थे, अब वो भगवान के पास है। हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि वो जहां भी हैं हम सब लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और हम लोग उनको, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बहुत श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से उनको, बहुत बहुत धन्यवाद।